केमेनोफोर इज ट्रीटेड विद फेरस अमोनियम सल्फेट हेग्जाहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एच टू ओ फोर नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल प्रोड्यूसड फॉर टू मोलिक्यूल्स ऑफ केमेनोफोर इज थोड़ा सा थियोरिटिकल टाइप क्वेश्चन था लेकिन आपको एक मैं कंसेप्ट बताता हूँ इसमें देखिए केमेनोफोर इज ट्रीटेड विद फेरस अमोनियम सल्फेट हेग्जा अब इसको देखिये गाइज फेरस अमोनियम सल्फेट हेग्जाहाइड्रेट को आप क्या बोलते हो मोहर्स सॉल्ट ठीक है ये गाइस ध्यान रखिए मोहर सॉल्ट और एक बहुत ही फेमस रिएक्शन रहती है कि मोहर साल्ट का जो टाइट्रेशन होता है विद केएमएनओ फोर आपको तो ये एक स्टैंडर्ड रिएक्शन कुछ इधर उधर नहीं दिया हुआ था तो अगर आप इसकी रिएक्शन देखेंगे मोहर साल्ट की तो ये बैठती है ये रिडक्शन हाफ हो गई कि के एम एन ओ फोर हो गया ठीक है और ये पूरा पूरा का पूरा मोहर सोल्ट हो गया इसके याद रख सकते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन बेसिकली इसकी ये होती है ठीक है तो अगर आप इसको गाइज गोड़ से देखोगे तो इसमें सिक्सटी एट आपका जो एच टू ओ का है मोलिक्यूल्स वे यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया जो आपका करेक्ट आंसर है टू मोलिक्यूल्स ऑफ के एम एनोफोर के लिए देखिए टू मोल्स ऑफ के एम एनोफोर इधर यूज हो रहा है इज सिक्सटी एट नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स ठीक है थोड़ा सा गाइज ये वैसा क्वेश्चन था रिएक्शन अगर आप किसी वे में समझ सकते तो वो भी आसान रहेगा